नीचे देख पा रहे हो आप ये। आपके पास अपना कोविड सर्टिफिकेट होना बहुत साल बस करके 35 मिनट में पूजा एक्सप्रेस जम्मू तवी श्री माता वैष्णो देवी की स्थान पे पहुंच गई है। मतलब जम्मू तवी पहुंचे हैं अभी अपन, आउटर पे है, धीरे धीरे रन करिए और सामने स्टेशन दिख रहा है। नजरिया पर जम्मू पहुंच करके कुछ है ना गुन्नू की हरकत दिखाता हूँ। मतलब गुन्नू को ब्रश करने के लिए लगाया गया है, ब्रश करेगी तब वैसे उसको पता नहीं लगेगा, बस हाँ जब ब्रश करती है ना तब शुरू हो जाता है इसका मामला। भाई साहब ब्रश जैसे लगा कोई जंग लड़ने निकली ना वैसे करती है। तो दोस्तों कुछ काम कुछ मेडिसिन वगैरह है वो लेने के लिए मैं अभी स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। खैर अभी तो मैं जम्मू में ही हूँ। और हाँ अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक चीज़ याद रखना, आपके पास अपना कोविड सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड सर्टिफिकेट नहीं होगा ना फालतू की परेशानी ज़्यादा होगी। खैर अभी उतना वैल्यूबल नहीं है पर अगर आपकी वैक्सीन लगी है तो सर्टिफिकेट लेकर के आओ, वो बहुत ज़रूरी है आपके। ये स्टेशन है, इस स्टेशन से आते हुआ तो बिल्कुल एग्जिट सामने ही स्टैंड आता है। यहाँ टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है, आप वैष्णो देवी जाना चाहो तो टैक्सी वगैरह यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। प्राइस आप खुद चेक कर लेना, ऑफ सीजन ऑन सीजन के अंदर यहाँ की रेटें सब अलग अलग होती है। ऑन सीजन कौन सा होता है, जब वैष्णो देवी की मतलब नवरात्रे लगते हैं तो यहाँ का ऑन सीजन हो जाता है तो इनकी रेटें कुछ ऊपर जाती है। अभी आपको ऑफ सीजन मिलेगा जहाँ से हो सके तो इनकी रेटें कम आपको मिलेगी। आपको नॉर्मली 100 रुपये के 100 या 150 रुपये के आसपास में आपको आराम से यहाँ से वैष्णो देवी के लिए बसें मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत बस मिलती है, कोई हेडक वाली नहीं है कि 1-2 रुपये लेगी, बहुत है। मतलब यहाँ पर बाहर निकलते हो तो ऐसे लोकल मार्केट भी मिलता है, बिल्कुल ये जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। तो कुछ आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आप वो भी आके कर सकते हैं, खाने पीने की और बाकी गर्म कपड़ों के लिए काफ़ी शॉप है यहाँ पर। खैर मैं मेडिसिन लेने नहीं मिला तो मैं वहीं फोकस करूँ तो अच्छा है। ये रेलवे स्टेशन के ना बिल्कुल सामने भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, आप देखो बोर्ड में तो दिख रहा होगा, एक यहाँ पे भी मेडिकल स्टोर है पर अभी खुला नहीं था इसलिए मैं बाहर गया था। अगर आप चेक कर लेना मिलता है तो यहाँ पे भी मेडिसिन सारी मिल जाती है। ट्रेन नंबर की बात की जाए तो 1980 ट्रेन नंबर है और जम्मू तवी से अब हम निकलेंगे। 11:55 पे ये ट्रेन लेके जाएगी सीधे कटरा के लिए। तो आगे की जर्नी शुरू करते हैं और बहुत अच्छी और मनोहारी जर्नी होगी आगे की ये, जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा देखने में। क्योंकि यहाँ से आगे में जो आप कितने भी थके हुए रहो ना दोस्तों की पूरी थकान निकल जाती है, इतनी प्यारी जर्नी होती है आगे की। और व्यू जो इतने शानदार शानदार व्यू देखने को मिलते हैं वो भी बहुत लाजवाब होते हैं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों जम्मू तवी से ट्रेन डिपार्ट कर रही है ऑन टाइम और हम निकल गए यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। लमसम 1.5 घंटे के अंदर ये पहुँचा देगी, जैसे अगर राइट टाइम पे आई, अगर वैसे ही राइट टाइम चलती है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंतजार भी करेंगे, करेंगे क्या, जाने वाला तो है नहीं, कहीं पहुँचना है और दर्शन करना है और आप सबको भी दर्शन करवाना है। तो चलिए बोलिए माता रानी की जय। और ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए हम चल दी हमारी जर्नी आगे के लिए।
लंबी गुफा पड़ती है वैष्णो देवी जाने पे। तो दोस्तों उधमपुर आ चुके हैं, टाइम से पहले ही पहुंचा दिया है कुछ इसने 5-10 मिनट। तो अब उधमपुर पहुंचते हैं, कुछ खाने पीने को भी लगा तो कुछ खाएंगे पियेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप भी खाइए मजे उड़ाइए। और दोस्तों देखो यार, बहुत आपको पता नहीं, अगर ना कोई दूसरा कैमरा पकड़ता ना तो आप देखते हैं ऐसे ना, बहुत रिस्क लेकर के यार शूट कर रहा हूँ इसके लिए ना, कि आप सब है ना व्यू देख पाओ और आप भी आओ और आप भी इन सब चीज़ों की फीलिंग ले पाओ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बोल पे सेट करना, कमेंट करना जरूर अगर आप माता के भक्त हो और या माता के दरबार में आना चाहते हो ना, तो कमेंट करना दोस्तों। जय माता दी। चलिए तो दोस्तों इतने प्यार से इतने अच्छे से सफ़र को अभी यहाँ पे तो कुछ देर के लिए हम रोकते हैं, चलते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन वगैरह करके आते हैं, आप सबको भी दर्शन करवाते हैं, फिर वापस से ट्रेन में मिलेंगे। ये सामने जो दिख रहा है ये माता का भवन है, आज हमको रात भर में चढ़ाई करके ऊपर पहुँचना है और दर्शन करना है और आपको भी दिखाना है और आप सबको भी दर्शन करवा देना है। तो देखो दोस्तों, अगर दर्शन करना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके एक वीडियो में नहीं हो दूसरा पार्ट में आए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि भाई नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है। तो आगे आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये सब भी जांच वगैरह अपनी दिखा दिए, देखो आते हो ना तो कोविड का सर्टिफिकेट या डाउनलोड करके आना, अगर आपका नेटवर्क नहीं काम कर रहा तो डाउनलोड करके आओगे ना तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं डाउनलोड करके आओगे ना तो यहाँ पर रैपिड टेस्ट है, दोबारा करना पड़ जाएगा आपको। ये पूरी लाइन इसी के लिए लगी हुई है, ये जो लाइन देख रहे हो ना ये पूरी नीचे से नीचे देख पा रहे हो आप, ये जो सारी लाइन है ना पूरी क्राउड दिख रही है इसीलिए लगी हुई, तो ये पूरी लाइन ऐसे आकर के और फिर यहाँ पे चेक होता है। तो अगर आप नहीं, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो कोशिश करो सर्टिफिकेट लेके आने की, नहीं लाओगे ना तो रैपिड टेस्ट हो जाएगा आप सबका, टाइम और ज़्यादा बिगड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो अब निकल गए हैं स्टेशन से, बाहर निकलते हैं, ऑटो स्टैंड पर आपसे मिलते हैं, नहीं बाहर गेट पर मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर गेट पर एक बार यहाँ पर चेक है, वो चेकिंग वगैरह कम्प्लीट कर लें। और ये रहा पीछे दरबार, तो दोस्तों कटरा स्टैंड पे पहुंच गए हैं और एज यूजुअल जैसे पहले पिछली बार जिस होटल में गए थे उस होटल में जा रहे हैं हम, तो चलते हैं होटल में मिलते हैं। अगर बस ये रास्ते में इसके लिए दिखा रहा हूँ आपको कि आप आओ ना तो आराम से यहाँ पहुंच सको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत ना हो। तो न्यू ये अपने होटल का नाम है
और एंट्री गेट है, तो चलते हैं अंदर एंट्री कर लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। अरे मेरी भारी भारी, मैं उठा लेता हूँ, भारी है, बहुत भारी है। ये अंदर का होटल है, पिछली बार भी आपको दिखाया, और नहीं देखे हो तो जाके व्लॉग में देख लेना, कुछ पुरानी यादें। चलते हैं कमरे में, वैसे तो खैर वो कमरा कुछ ही कोई ले रखा है, पिछली बार आया था ना तो इस 204 में रुक कर गया था मैं, तो इस बार तो खैर है नहीं। हाँ, जो कमरा मिला है हमें ऐसा है, वो इस टाइप का कमरा है, अभी लिया हुआ है। फैसिलिटीज़ मैंने पिछली बार ही बताई थी, अभी भी बताता हूँ मैं, फैसिलिटीज़ बहुत शानदार है। आपको नंबर भी मिल जाएगा वीडियो के अंदर, आप आकर के चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो पैसे लगेंगे ना वर्थफुल है। डबल बेडरूम वाला कमरा बिल्कुल ऐसा मिलता है, मात्र सोचो दोस्तों 600 रुपये में के अंदर, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्र 600 रुपये का कमरा ही है, मात्र 600 रुपये का, जिसके अंदर आपको ब्लैंकेट डबल मिल जाते हैं, पिलो वगैरह रहती हैं, गीज़र रहता है इसके अंदर, पानी मतलब लाइट रहे ना रहे आपको गर्म पानी मिलेगा यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर पहले कमरा मिला था ना तो बहुत अच्छा था, थोड़ी देर में हमने से बिल्कुल भूकंप जैसे निकल के गया ना, बिल्कुल वैसा कर दिया है पूरा। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में खाना वाना नहा धो के रेडी होते हैं, मिलते हैं खाना खाने के लिए।